नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 21 नवंबर और आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ विशेष। विशेष यही है कि न्यायिक प्रमुख जो है उनका पूरा नाम है, फिर संसदीय प्रमुख कौन कौन है उनका नाम हम आपको बताएंगे, निर्वाचन आयोग के बारे में फिर हम आपको बताएंगे, उसके बाद सशस्त्र सेनाओं के सेना प्रमुख कौन है इसके बारे में बताएंगे, और उसके बाद गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख कौन है इसके बारे में बताएंगे। हम अगर बात करें CHS की या फिर UET की या फिर PET की, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो सीधे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा भारत के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। इस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इस दृष्टिकोण से आपके परीक्षा के लिहाज से जो महत्वपूर्ण पद पर जो व्यक्ति आसीन है वह लेकर हम आज आप लोगों के बीच उपस्थित है। तो आज का जो करंट अफेयर है काफी ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, आप इसको अच्छे से देखें और इसका नोट्स आप जरूर बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का यह एपिसोड। आज का हमारा सबसे पहले है न्यायिक प्रमुख। न्यायिक प्रमुख में सबसे पहले है मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, कौन बने हैं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हैं। हम आपको बता दें कि जिनका चयन हुआ है 18 नवंबर को वह भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं सर्वोच्च न्यायालय का। तो उनका नाम है जस्टिस SA बोबडे। पूरा नाम क्या है, शरद अरविंद बोबडे। ये भारत के 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त हुए हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है महान्यायवादी, जिसको अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, वो कौन है। तो इसका जवाब होगा KK वेणुगोपाल। KK वेणुगोपाल जो है वो भारत के क्या है, महान्यायवादी है। आपको पॉलिटिकल साइंस के जो टीचर होंगे, मेंटर होंगे, वह आपको विस्तार से बताएंगे महान्यायवादी के बारे में। अभी आप फिलहाल बस इतना ही जानिए कि KK वेणुगोपाल जो है वह भारत के महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अब हम बात करेंगे आज का जो हमारा न्यायिक प्रमुख में जो तीसरा क्वेश्चन है वह है महाधिवक्ता के बारे में। जो सरकार का पक्ष रखता है वो महाधिवक्ता होता है, और भारत के महाधिवक्ता यानी कि सॉलिसिटर जनरल अभी कौन है, तो वो है तुषार मेहता। कौन है, तुषार मेहता है। आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे अपने नोट्स बुक में, काफी महत्वपूर्ण है। हम पिछले बार बैठे थे, विभिन्न परीक्षाओं में बैठने का हमको सौभाग्य मिला था, तो उसमें से हम देखे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि भारत के चुनाव आयुक्त कौन है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो ऐसा क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछा जाता है। तो इस दृष्टिकोण से हम आपको इन सब चीजों के बारे में भी पढ़ा दें ताकि कोई भी करंट अफेयर से कोई भी ऐसा क्वेश्चन न हो जो आपसे न बन सके। अब हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अच्छा, कुछ दिन पहले हम एक वीडियो में आपको बता रहे थे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, तो इसके अभी अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है आदर्श कुमार गोयल। अगर आप अखबार पढ़ते होंगे तो अखबार में आपको हमेशा चित्र मिलता होगा NGT का, तो उसके अध्यक्ष कौन है अभी, तो उसके अध्यक्ष है आदर्श कुमार गोयल। अब हमारा जो दूसरा शीर्षक है वह है संसदीय प्रमुख के बारे में। अभी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, और अभी अगर आपको समय मिले तो संसद के शीतकालीन सत्र को जरूर देखिए। और अगर आप संसद के शीतकालीन सत्र को देख रहे होंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि
संसदीय प्रमुख से जितना भी क्वेश्चन है आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो संसदीय प्रमुख से सबसे पहला क्वेश्चन है, सभापति, राज्यसभा के सभापति कौन है? भारत की जो संसद है उसका दो सदन है, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन ऐसा सदन होता है जिसका विघटन कभी नहीं होता है, और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और निम्न इसका प्रत्येक 5 साल पर विघटन हो जाता है। तो अभी जो है वह राज्यसभा के सभापति कौन है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। तो भारत के अभी उपराष्ट्रपति कौन है आपको पता होगा, श्री एम वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू क्या है, सभापति है राज्यसभा के। अब दूसरा क्वेश्चन है, उपसभापति राज्यसभा के कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह, श्री हरिवंश नारायण सिंह है, श्री हरिवंश नारायण सिंह जो है यह पत्रकार रह चुके हैं और किस अखबार के लिए इन्होंने काम किया है, तो यह प्रभात खबर के प्रधान संपादक एक समय में हुआ करते थे और अभी श्री हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति के पद पर आसीन है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, महासचिव कौन है राज्यसभा के? तो महासचिव है देश दीपक वर्मा, देश दीपक वर्मा महासचिव है राज्यसभा के। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेता विपक्ष राज्यसभा का कौन है? राज्यसभा का जो नेता विपक्ष होता है वह सरकार की विभिन्न नीतियों की आलोचना करता है, संसद में खड़ा होकर विपक्ष में अपनी आवाज को बुलंद करता है, तो कौन है? तो वो है गुलाम नबी आजाद। किस राज्य से इनका संबंध है जानते होंगे अगर आप लोग, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ये कांग्रेस के नेता है और नेता विपक्ष, राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्ता पक्ष के नेता कौन है राज्यसभा में? आपने नाम सुना होगा थावर चंद गहलोत, तो थावर चंद गहलोत जो है थावरचंद गहलोत नेता सत्ता पक्ष के है राज्यसभा में। अगला है लोकसभा में, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष है वह है ओम बिरला। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ओम बिरला किस संसदीय क्षेत्र से सांसद है और यह 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, महासचिव कौन है लोकसभा की? महासचिव पहली महिला महासचिव बनी है लोकसभा की और उनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव। तो ये तो था संसदीय प्रमुख के बारे में, हम न्यायिक प्रमुख के बारे में पढ़ लिए, संसदीय प्रमुख के बारे में पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग का क्या काम होता है? तो निर्वाचन आयोग का काम होता है निष्पक्ष तरीके से भारत में चुनाव को संपन्न कराना। तो निर्वाचन आयोग की जो टीम होती है वह 3 सदस्यीय होती है, जिसमें से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 जो होते हैं वह चुनाव आयुक्त होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो अभी भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त है श्री सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा है। आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बताना है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयुक्त के बारे में वर्णन किया गया है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देना है। अगला है हमारा चुनाव आयुक्त, हम बताएं 3 सदस्यीय टीम होती है जिसमें से एक जो होते हैं वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 जो होते हैं वह सहायक निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो वो कौन कौन है? सुशील चंद्रा और अशोक लवासा। सुशील चंद्रा और अशोक लवासा, अशोक लवासा चर्चा में थे, अखबारों की सुर्खियों में आया करते थे,
कारण यह था कि ईडी ने इनके बेटे के ऊपर छापा मारा था, अशोक लावा। हो गया। अब हम जो पढ़ेंगे वह है सशस्त्र सेनाओं के सेना प्रमुख के बारे में। तो भारत में क्या होता है कि जो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वह भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो सर्वोच्च सेनापति कौन होंगे? तो अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है? महामहिम रामनाथ कोविंद। तो महामहिम रामनाथ कोविंद जो है वह सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति है। रामनाथ कोविंद भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो होते हैं वही सर्वोच्च सेनापति होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वायुसेना अध्यक्ष कौन है? हाल ही में जब भारत के नए वायुसेना अध्यक्ष बने थे तो अपने करंट अफेयर में, जो डेली करंट अफेयर हमारा आता है, उसमें हम इसका जिक्र किए थे। और आप लोग अगर नियमित रूप से हमारा वीडियो देखते होंगे तो हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को इसका जवाब भी पता होगा। और यही क्वेश्चन सीएचएस के एग्जाम में पूछा गया था, आई थिंक जहां तक हमको ध्यान में आ रहा है। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, वायुसेना अध्यक्ष कौन है भारत के? तो वो है आरकेएस भदौरिया। एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया, एयर मार्शल जोड़ लीजिएगा इसमें, ठीक। अब उसके बाद नौसेना अध्यक्ष, सबसे पहले आप एडमिरल जोड़ लीजिए और उसके बाद करमवीर सिंह। एडमिरल करमवीर सिंह जो है वह नौसेना अध्यक्ष है। उसके बाद थल सेना अध्यक्ष कौन है भारत के? तो थल सेना अध्यक्ष है लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत। चलिए अब हम जानेंगे गुप्तचर एवं प्रमुख जात संगठनों के प्रमुख के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या है, केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक यानी कि सीबीआई के निदेशक कौन है? तो सीबीआई के जो निदेशक है उनका नाम है ऋषि कुमार शुक्ला। ऋषि कुमार शुक्ला सीबीआई के निदेशक है। उसके बाद हमारा दूसरा है ऋषि कुमार शुक्ला मुख्य सूचना आयुक्त। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वो है सुधीर भार्गव। अगला क्वेश्चन है, आईबी के प्रमुख कौन है? तो आईबी के प्रमुख है अरविंद कुमार। इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो आईबी का पूरा नाम होता है और इसके जो प्रमुख है उनका नाम है अरविंद कुमार। अब हम पढ़ेंगे रॉ के प्रमुख के बारे में। रॉ के प्रमुख कौन है? तो रॉ के प्रमुख है सामंत गोयल। सामंत गोयल है रॉ प्रमुख। अगला क्वेश्चन है, एनआईए के महानिदेशक कौन है? तो एनआईए के महानिदेशक है योगेंद्र चंद्र मोदी। एनआईए के महानिदेशक है। और सबसे अंतिम क्वेश्चन है हमारा, अंतरिम निदेशक ईडी के यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के कौन है? तो ये है संजय कुमार मिश्रा। चलते चलते कुछ प्रश्नों का जवाब आपको देना है और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपको बताना है रॉ का पूरा नाम क्या होता है और उसके बाद आपको बताना है एनआईए का फुल फॉर्म क्या होता है। बस यही दो क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर भी करें, और अभी तक अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। फिर होगी आपसे अगले वीडियो में मुलाकात। धन्यवाद।